मैंने तुम्हें बहुत रुलाया नताशा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। प्लीज नताशा, मुझे माफ कर दो। धवल तो शांत हो जा, धवल शांत हो जा। डॉक्टर धवल, क्या हुआ इसे? धवल क्या हुआ इसे? धवल बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। धवल डॉक्टर, अभी कौन आया? नताशा पांड्या जी, ये आपके लिए लीगल नोटिस है। आपके 45,00,000 रुपए ड्यू हैं, जो आपको हमारी फर्म को पे करना है। 45 लाख? सर मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमने किसी से उधार नहीं लिया है, हम क्यों पे करेंगे? आपने मेरे क्लाइंट संदीप को अपनी दुकान का रिनोवेशन करने से फायर कर दिया है। मेरे पास क्योंकि मैं अपना बेगुनाही का सबूत ले आई, इसलिए फर्क नहीं दिखाती तो मुझे गले लगाते या थूकते मुझ पर। और अगर पॉसिबल होता ना तुम्हारे साथ बिताया हो हर एक पल, मैं अपनी जिंदगी से मिटा देती था। मैं आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, आज से मैं तुमको इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, तुमसे नफरत का रिश्ता रखूंगा। I want to marry you, Natasha. मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं क्यों करूँ तुम्हें वापस एक्सेप्ट? जब मुझे पता चल गया है कि तुम ऐसे घटिया इंसान जिसके लिए एक लड़की के दिल के साथ खेलना इज नॉट अ बिग डील। और अगर मैं ये सब भूल भी जाऊँ तो तुमने जो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है उसका क्या? जो सवाल मुझ पर उठाए, जो क्वेश्चन मुझ पर उठाए उसका क्या? You know what? करती तुम्हारी नहीं है, मैं भी आई लव द रॉन्ग गाय। वो संदीप है ना, वो धोखे से उसने नताशा की साइन ले ली कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या? कि अगर हमने उसे निकाल दिया, अब निकालना तो पड़ेगा ही ना, तो हमें उसे 3 times पैसा देना पड़ेगा, 45 lakh। रूम नंबर 10 के पेशेंट धवल मकवाना अपने बेड पर नहीं है। What? How is that possible?